नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, लगातार चक्रवाती तूफान ताऊते को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि चक्रवाती तूफान ताऊते की यूपी समेत इन राज्यों में दस्तक, तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम, विभाग ने जारी की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान ताऊते ने कानपुर सहित आसपास के 14 जिलों में भी दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से सुबह से ही कानपुर सहित आसपास के जिले उन्नाव, इटावा, कानपुर देहात, हरदोई, फतेहपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, जालौन में घने बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। बता दें कि देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान ताऊते का खतरा मंडरा रहा है। अब ये तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आज से 3 दिन तक आंधी पानी के संकेत मिल रहे हैं। सीएसए के मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट जारी कर दिया है कि कटी फसल को इकट्ठा कर लें। वहीं तेज बारिश में पेड़ों के नीचे खड़े होने से मना किया है। आपको बता दें, आज से लगभग 3-4 दिन तक 15 से 20 किलोमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवाती तूफान ताऊते आज रात तक गुजरात के तट तक पहुंचेगा। इसके असर से विभिन्न राज्यों में तेज बारिश होगी। आपको बता दें, कानपुर परिक्षेत्र में आज सुबह से इसका असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार अलग अलग क्षेत्रों में 30 से 35 किलोमीटर के बीच है। सीएसए के मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटी और खुली पड़ी फसलों को भंडारण कर लें, सोलर सिस्टम को भी तेज हवाओं से सुरक्षित कर लें। मौसम विभाग के प्रभारी डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया है कि तूफान से पेड़ों के उखड़ने, तार गिरने, संचार व्यवस्था में व्यवस्था होने की आशंका है। चक्रवात के आंतरिक रिंग में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में वाहन चालक तूफान के दौरान खास सावधानी बरतें। आपको बता दें, हमीरपुर में कई दिनों से लगातार आसमान में बादल छाए रहे, जिससे गर्मी से राहत रही। वहीं आज दोपहर में अचानक बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, बारिश से लोग बचते नजर आए, लोगों को गर्मी से राहत मिली। इधर कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव था। वहीं फर्रुखाबाद में भी आज आसमान में सुबह से घने बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना है। दिन में धूप से गर्मी और शाम को मौसम ठंडा रहने का अनुमान है। सीएसए के मौसम विभाग प्रभारी डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया है कि ताऊते का मतलब तेज आवाज निकालने वाली छिपकली होता है। चक्रवाती तूफान को ये नाम म्यांमार ने दिया है। बर्मी भाषा में इसे गैको भी कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के मौसम चेतावनी केंद्र चक्रवात का नामकरण करते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत में भारी बारिश और आंधी तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। महाराष्ट्र और अन्य पश्चिमी तटीय इलाकों में कहर ढा रहे चक्रवाती तूफान ताऊते को असर अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिखने वाला है। आने वाले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। दोनों राज्यों को ताऊते से अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। 19 मई को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि यूपी के आंचलिक मौसम केंद्र निदेशक JP गुप्ता ने आज कहा है कि यूपी में ताऊते के तूफान का असर दिखने वाला है। 19 मई से लेकर 20 मई तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। अगले 24 घंटे में तूफानी हवाएं चलेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी।